हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अमर ड्रीम न्यूज़ चैनल में। फ्रेंड्स, हम मैच कवर करने जा रहे हैं, वो खेला जाएगा पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेस श्रीलंका अंडर 19 के बीच में। फ्रेंड्स, ये इस ओडीआई सीरीज़ का चौथा मैच है। इसके लिए हम ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे और स्मॉल लीग की टीम भी बनाएंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमारा जो मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच में, उसमें भी हमने बहुत अच्छी टीम बनाई थी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ से 78,000 स्पॉट्स थे फ्रेंड्स इस लीग में, और इसमें मैं 335 मेरा रैंक रहा था 78,000 स्पॉट में। फ्रेंड्स, अगर आपने भी यही टीम लगाई होगी तो उम्मीद करता हूँ कि आपने भी बहुत सारा पैसा कमाया होगा स्मॉल लीग में। स्मॉल लीग में तो आप 100% पहले नंबर पे रहे होंगे 100 मेंबर तक की लीग में। फ्रेंड्स, जहाँ तक बात रही इस मैच के लिए हम ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे, एक स्मॉल लीग की टीम बनाएंगे। फ्रेंड्स, जो हमारी टीम रहेगी ग्रैंड लीग की, वो कुछ इस तरह से रहेगी। हम विकेट कीपर सेक्शन में फ्रेंड्स यहाँ से रोहेल नज़ीर, एन प्रणव रत्ने और कामिल मिश्रा को लेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ एक बार फिर से कि यहाँ जो एन प्रणव है, भले ही विकेट कीपिंग सेक्शन में, ये आपको यहाँ बल्लेबाजी करते हुए भी दिखेगी और साथ साथ में गेंदबाजी करते हुए भी दिखेगी, तो आपके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाती है। तो आपको आप इनको अपनी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड, जहाँ तक बात रही बैटिंग सेक्शन की, तो ए थ्रिंडू श्रीलंका की बहुत अच्छी फॉर्म में है, और पाकिस्तान के एस आयूब सैम आयूब भी 12-15 पॉइंट आपको जरूर देंगे। फ्रेंड, जहाँ तक बात रही हैदर अली यहाँ से अच्छी फॉर्म में है, और आप यहाँ से एम समाज को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये अब अच्छी फॉर्म में नहीं है, पिछले 2-3 मैच में फ्लॉप होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपके पास बाकी कोई खास ऑप्शन रहती नहीं है पीछे, और जो आप यहाँ से आप निपुला धनंजय, जो ये कैप्टन है श्रीलंका की टीम के, ये भी एक अच्छी ऑप्शन रह सकते हैं, ये कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हैदर अली की जगह इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, या ए थ्रिंडू की जगह आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं ए थ्रिंडू को अपनी टीम से निकाल देता हूँ, क्योंकि इनको 85% लोगों ने लिया हुआ है। अगर ये फ्लॉप हो जाते हैं तो आप आसानी से ग्रैंड लीग जी सकते हैं। तो यहाँ से हम इंदरनंजा को लेके चलते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में कोई भी ऑलराउंडर यहाँ पे अच्छी फॉर्म में नहीं है दोस्तों, जितने भी है ऑलराउंडर, ये नियाज खान, सी विजय सिंह बहुत लेट बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने आते हैं। और यहाँ से जो ऑप्शन है वो है मोहम्मद ताह की। मोहम्मद ताह बहुत ही शानदार प्लेयर है फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान प्रीमियर लीग में भी खेल चुके हैं और बहुत सारी पॉइंट्स देगी आपको बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। बॉलिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम एस शफाकत को ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि पिछला मैच खेले नहीं और इतनी अच्छी फॉर्म में है भी नहीं है। यहाँ से मोहम्मद जुनैद बहुत शानदार ऑप्शन में है, दिलशान मधुशंका स्पिन गेंदबाज और बहुत अच्छी फॉर्म में है। फ्रेंड्स, यहाँ से जो आपके पास और ऑप्शन बचती है वो है अब्बास फरीदी की, और ये पिछले मैच में भी फ्रेंड्स खेले थे, इनको मात्र यहाँ से 5% लोगों ने लिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग की बहुत अच्छी ऑप्शन रह सकती है। अगर आप अब्बास अफरीदी को ट्राई करते हैं तो आप इनके यहाँ से मोहम्मद जुनैद या दिलशान मधुशंका की जगह ट्राई कर सकते हैं, या आर्सनंजा की जगह अब्बास अफरीदी को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड जो और अच्छी ऑप्शन है वो है अख्तर शाह की। अख्तर शाह एक तेज़ गेंदबाज और ओपनिंग स्पेल डालते हैं, और आप इनको इस मैच में ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पिक किया हुआ है। तो अख्तर शाह की जगह हम यहाँ से मोहम्मद वसीम, अगर कल का मैच खेलते हैं, बहुत ही शानदार तेज़ गेंदबाज है ये, पिछला मैच खेले नहीं थे। अगर फ्रेंड्स इनके बारे में कोई न्यूज़ आती है तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। यहाँ से आप एम वसीम को भी फिलहाल टीम में मत रखिएगा, यहाँ से आप अपनी टीम में रखिएगा तो आर्सनंजा को रखिए, बहुत अच्छी फॉर्म में, और डीस दूरा भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये पिछला मैच खेले नहीं है तो इनके बारे में भी न्यूज़ अभी कन्फर्म नहीं है। जैसे ही कोई न्यूज़ कन्फर्म हो जाती है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में। फ्रेंड्स, यहाँ से बाकी हमारे पास कोई खास ऑप्शन है नहीं है, जो हमारी ग्रैंड लीग की टीम है वो कुछ इस तरह से रहने वाली है। कैप्टन हम इसमें मोहम्मद ताह को रखेंगे और वाइस कैप्टन एन प्रणव को रखेंगे। फ्रेंड, जो कैप्टन की और ऑप्शन है आपके पास वो यहाँ से बहुत कम है। यहाँ से आपके पास रोहेल नज़ीर है, कैप्टन की अच्छी ऑप्शन हो सकती है, 2 मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस कर चुके हैं, और अब्बास अफरीदी को भी आप वाइस कैप्टन ले सकते हैं ग्रैंड लीग में। फ्रेंड्स, कैप्टन के लिए आपके पास मोहम्मद ताह और वाइस कैप्टन के लिए एन प्रणव अच्छी ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए। अब फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से बात क्लियर कर दूँ, स्मॉल लीग के लिए आप कैप्टन एम ताह को रखिए और वाइस कैप्टन एन प्रणव को रखिए, आप 100% ग्रैंड लीग को विन करोगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर भी दीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।